समाज सेवा में रत प्रतिष्ठित व्यवसायी सरल हृदयी हसमुख शांतचित स्वभाव एवं मिलनसार श्री आनंद जी गर्ग, फर्म मोहर सिंह रतनलाल, आप दालों के थोक विक्रेता एवं पॉपकॉर्न के स्पेशलिस्ट हैं। आपकी फर्म सन 1975 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत है। अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन जी गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों, श्री हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। आदरणीय व्यापारी भाइयों, आज मैं ऐसे शख्सियत से आपकी रूबरू करवा रहा हूँ जो मेरे अजीज हैं, मेरे साथी हैं, और इनके पिताश्री का मेरे पर हर्ष हस्त ऐसा था, वे ये कहूँ कि इस व्यक्ति का मैं बड़ा भाई तो भी चल सकता है। वो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, पिताजी से बढ़ चढ़ कर आगे भाग ले रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति से मैं आपका साक्षात करके और मैं इनको सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उनका नाम है श्री आनंद गर्ग जी, जो दया बाजार में हैं, दालों का व्यापार करते हैं। उनसे आप साक्षात करेंगे, मुलाकात करेंगे। दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन पद पर उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित कर रहे हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज सम्मान करने के लिए जितना जो कम कहूँ उतना कम पड़ता है। आज मैं इनसे साक्षात करके अपना गौरव महसूस कर रहा हूँ। आनंद बाबू जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार आपका। तो आप जरा सब व्यापारी भाइयों को ये थोड़ी जानकारी दें कि कौन से पदों में सुशोभित है। वैसे पद की आपकी जरूरत नहीं है, बाकी जानकारी के लिए प्रेरणा मिले समाज को भी, और पिताजी का मेरे प्रति कितना स्नेह रहा है वो भी आपसे कुछ छिपा नहीं है, फिर भी आने वाली पीढ़ी को पता लगे, इसलिए मैं आपसे अपने मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। वो तो आपने बताया ही है कि मैं दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पिछले चार साल से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और अनेक संस्थाओं में मैं ट्रस्टी हूँ, जैसे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल रोहिणी, इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी है, और नीलकंठ धाम है हरिद्वार में, और वृंदावन में धर्मशाला जो एक बन रही है उसका मेरे को नाम पूरा ध्यान नहीं, उसमें भी ट्रस्टी हूँ मैं, और शालीमार बाग अग्रवाल सभा का ट्रस्टी हूँ, बहुत जगह का ट्रस्टी हूँ, अनेक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और अपना सामाजिक कार्य करता हूँ। व्यापार का भी आपका व्यापार तो करते ही है, समाज में भी समाज का कार्य भी करते हैं, समाज का भी कार्य करना चाहिए। तो पिताजी क्या वाले जिंदा मैं देख रहा हूँ कुछ से बढ़ चढ़ करके आप जो है समाज का भी व्यापार का। पिताजी मेरे ख्याल से इतना एसोसिएशन में समाज में है। पिताजी हमारे इतना ज्यादा एसोसिएशन में इन्वॉल्व नहीं थे, और समाज में तो थे, समाज तो जानता ही था उनको, लेकिन एसोसिएशन में वो इन्वॉल्व नहीं रहे। आपका तो पूरा सक्रिय से सारा 8 साल तो कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ, अब उसके बाद उपप्रधान 3-4 साल से मैं उपप्रधान हूँ। बराबर आ रहे हैं, मतलब 4 साल दूसरी बार भी निर्विरोधी आए मेरे ख्याल से। दूसरी बार भी मैं निर्विरोधी चुना गया हूँ, उपप्रधान दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का निर्विरोधी चुना गया हूँ। और व्यापार में भाजी क्या क्या अपने कौन सी लाइन का कैसे क्या जैसा व्यापारी भाइयों को। व्यापार में मेन काम तो मेरा आड़त का ही है, आड़त पे माल आता है, और मैं जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये MNCs हैं, मल्टी मॉडर्न ट्रेड में, इनमें मॉडर्न ट्रेड में अपना अपनी दालें बल्क में मैं सप्लाई करता हूँ, जैसे रिलायंस है, बिग बाजार है, और आदित्य बिरला है, मोर है, और स्पेंसर है, इनमें मैं मॉडर्न ट्रेड में भी अपना सारा होलसेल में इनको दालें बेचता हूँ। देखा व्यापारी भाइयों, इनका सामाजिक पूरे सामाजिक के साथ और एसोसिएशन के साथ और व्यापार के साथ तीनों को लेकर चल रहे हैं। और पिताजी श्री लक्ष्मीनाथ जी, जिनके तो कहने क्या भाई, उनसे भी आनंद जी कम नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ, पूरा बाजार जानता है कि ऐसे महान व्यक्ति का अमर ज्योति डायरेक्टरी जैन संजोग पत्रिका परिवार इनको सम्मान करके बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और जो हम आज तो व्यक्तिगत इनका सम्मान हो रहा है, और आने वाले समय में जो मेरे 53 साल जो नया बाजार दिल्ली में हुए हैं उसकी एक छोटी सवारी का जो प्रकाशित करके उनमें भी वहाँ सम्मानित किया जाएगा ऐसा मैं
भविष्य निवेदन कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ कि सभा उस समारोह में आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद भाई जी।